हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेस। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से एक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न एक आम पैटर्न है, ये बहुत ही आम पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है ट्रायंगल पैटर्न। एक्चुअली ट्रायंगल पैटर्न जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और ये जो पैटर्न आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये पैटर्न जो होते हैं ना, ब्रेकआउट जब करते हैं तो बाजार ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो बाजार नीचे की तरफ जाता है। ये चीज अभी ध्यान देने वाली होती है। और ये ट्रायंगल पैटर्न एक आम पैटर्न है, ये ज्यादातर हर दिन बनते हैं, हर दिन ये पैटर्न बनते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में ये वीडियो नहीं है। इस ट्रायंगल पैटर्न को आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं। और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि बाजार में ब्रेकआउट होके बाजार ऊपर की तरफ जाता है। और दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो उस के अंदर बाजार नीचे गिरता है, ठीक है, बाजार नीचे गिरता है तो उसका ब्रेकआउट अलग होता है। और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो बाजार एक मतलब करता क्या है कि एक रेंज बाउंड प्रोसेस से गुजरता है। रेंज बाउंड प्रोसेस होती है और उसके बाद उसके हाई और लो छोटे छोटे हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, चाहे ऊपर और या फिर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ये इस साइड पे भी आ सकता है, तो इस साइड में जब आता है तो उसे डिसेंडिंग बोलते हैं। और इस साइड में अगर ब्रेकआउट आता है डाउन साइड में तो उसे डिसेंडिंग बोलते हैं, और अपर साइड में ब्रेकआउट आता है तो उसे असेंडिंग बोलते हैं। तो हम लोग डेली के मार्केट एनालिसिस में देखते हैं बहुत सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं बाजार में। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि जो ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, ये एक आम ब्रेकआउट है, ठीक है। ये होते रहता है हर दिन और ये ट्रैप भी करता है पब्लिक को। इसके साथ साथ में हमको ऑप्शन चेन को भी देखना जरूरी होता है। बगैर ऑप्शन चेन को अगर किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट देखने से हमें लॉस हो सकता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें होता क्या है, आप चाहे इस वाली इमेज में समझिए, रियल वाली में, चाहे फिर आप ये इस वाली इमेज में समझिए, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला जो लो है, दूसरा वाला लो उससे ऊपर बनता है, तीसरा वाला उससे ऊपर बनता है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ये जो लो बना है, ये पहला वो लो ऊपर बना है, और उसके बाद जो लो जितने भी लोस बने हैं वो लोस क्या है, पहले वाले लोस से ऊपर बने, यानी कि हायर लोस बोलते हैं इसे। ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कौन से इसमें बनता है, हायर लोस में बनता है। हायर लोस को जानने से पहले हम हायर हाई भी कह सकते हैं। हायर हाई का इतना वो नहीं है, हायर हाई में अगर आप देखेंगे तो ये हाई सारे बराबर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे, तकरीबन ये हाई बराबर है और ये हाई भी बराबर है। सबसे बड़ा इसका रीजन है ये हायर लो में बनते हैं। हायर लो में बना हुआ ट्रायंगल पैटर्न एक अच्छा ब्रेकआउट देगा आपको, एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट ही इसका हायर लो जब बनेगा तब आता है, एकदम लास्ट स्टेज में। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हर कैंडल एक पहले वाले कैंडल से ऊपर खुलती है, ऊपर खुलती है, और ब्रेकआउट आने के टाइम पे तो बहुत ज्यादा तेजी से। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो गौर से देखिए तो यहाँ पर तेजी से एक अगली आने वाली कैंडल पहले वाली कैंडल से ऊपर बनी है, और जब लास्ट वाली जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो तो बिल्कुल भी जो उसका जो उसके जो हाई है उस हाई के आसपास ही खुलती है, ठीक है। उनके जो हाई है इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो हाई है उस हाई के आसपास खुलती है और फिर बाजार ऊपर जाता है। तो इतनी चीजें देखनी होती है सिर्फ चार्ट में। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी वही बात हो गई है। हर लो आप देखेंगे तो पहले वाले लो से ऊपर खुलता है, और जो लास्ट वाला जो ब्रेकआउट वाला जो लो है कैंडल है वो जो ऊपर वाला हाई होता है कैंडल का उसके नजदीकी खुलता है और उसके बाद बाजार ऊपर जाता है। इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की जब बात है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन के बगैर देखे हुए आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन के बगैर देखे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में जब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रायंगल पैटर्न है, इसका अगर ब्रेकआउट होना है तो इस तरह से ये होता है,
ठीक है, जैसा कि आप हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह से ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा और इस तरह से ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट में ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो क्या समझ सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए कॉल साइड में ये कॉल साइड का ऑप्शन चेन है, यहाँ पर अगर आप पार्ट करेंगे तो ये है कॉल साइड का और ये है पुट साइड का ऑप्शन चेन। ठीक है, कॉल साइड के ऑप्शन चेन में और पुट साइड के ऑप्शन चेन में बहुत अंतर यहाँ पर खास करके मैचिंग्स देखने को मिलता है जब ब्रेकआउट होता है, ऊपर ब्रेकआउट होता है और नीचे ब्रेकआउट होता है तभी। सबसे पहले हम पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में आप देखिए हर स्ट्राइक प्राइस में पुट राइटिंग हो रही है। पुट राइटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया जाता है। पुट को शॉर्ट किया जाता है का मतलब क्या है कि बाजार ऊपर जाता है। ठीक है, ये लोग पुट को बेचते हैं तो पुट को बेचने से कोई भी चीज बेचने से ना उसकी कीमत गिरनी चाहिए, उसकी कीमत गिरनी चाहिए, सेल करने से उसकी कीमत गिरनी चाहिए तब प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये बात मतलब वो कर लीजिए। अगर राइटिंग को बेचने से मतलब अगर आप हम कॉल आपने कॉल खरीदा कॉल बेचा तो कॉल गिरने के बाद थोड़ी बेचेंगे, वो तो ऊपर जाने के बाद बेचेंगे। अब ये चीज यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाली नहीं है, सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि भाई पुट राइटिंग का मतलब ये है कि बाजार ऊपर जाएगा, जैसे भी जाएगा बाजार ऊपर जाएगा, ये होती है पुट राइटिंग। और उसके साथ साथ में अगर आपको कॉल की बाइंग मिल रही है तो कॉल की बाइंग का मतलब क्या होता है, बाजार ऊपर जाने वाला है, तो बाजार ऊपर जाने वाला है इसका मतलब है कॉल बाइंग करना। इस चार्ट से हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर अगर पैटर्न कोई बन रहा है तो उसका ब्रेकआउट पॉजिटिव वे में होगा, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, चार्ट बनता हुआ देख रहे हैं हम और चार्ट बनता हुआ देखने के बाद हम तुरंत ऑप्शन चेन में आ गए और ऑप्शन चेन में आने के बाद में हमको क्या दिखा कि हाँ वाकई में यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब क्या करते हैं, मैं आपको एक एनिमेशन के जरिए हम अच्छी तरह से समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये ब्रेकआउट आता है। ये एक फॉर्म है हमारे पास में और ये एनिमेशन है, यहाँ से एक प्राइस जो है वो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट होती है और ये एक फॉर्म है, आप इसे कह सकते हैं ऑर्डर बुक भी आप कह सकते हैं। ऑर्डर बुक में यहाँ पर कॉल साइड के ऑर्डर बुक हो रहे हैं और यहाँ पर पुट साइड के ऑर्डर बुक हो रहे हैं। जब कोई पैटर्न बनता है, पैटर्न बनने से पहले एक तो हम ऑप्शन चेन में देखेंगे, है ना, ऑप्शन चेन को बहुत देखना जरूरी है। ऑप्शन चेन को नहीं देखेंगे भाई साहब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑप्शन चेन को नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं चार्ट के नीचे, यहाँ पर देखता हूँ कि ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन आपको सबसे बड़े उसे बताती है। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न में प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर जो कॉल साइड में जो कॉल खरीदने वाले जो ऑर्डर्स है वो बहुत ज़्यादा बुक हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, किसके मुकाबले में कॉल को सेल मतलब यानी कि अपने जो कॉल बाय करते हैं लोग ना, कॉल बाय ज़्यादा हो रहे हैं और कॉल सेल कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरह से ये पैटर्न बना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पहले देख लीजिएगा एक बार में किस तरह से पैटर्न बना है ये, उसके बाद में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि यहाँ पर ये कैसे हुआ और हम कैसे इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप क्या करिएगा, इन नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉल साइट के जो नंबर्स हैं, ये जो ऑर्डर बुक में जो कॉल खरीदने वाले जो नंबर्स हैं डेटा है, वो कॉल को बेचने वाला जो ऑर्डर बेचने वाला जो डेटा है उससे डबल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये कम होता है कब, जब बाजार यहाँ पर टॉप में जाता है, तब जब टॉप में जाता है तब ये वाली संख्या बढ़ती है और ये वाली संख्या जो है ये वाली संख्या कम हो रही है। ठीक है, और जब बाजार बॉटम पे था, बाजार कहीं इस एरिया में था तब ये जो नंबर है ये बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। मैं एनिमेशन के जरिए ये बना रहा हूँ, एनिमेशन बनाने के लिए मुझे एक्चुअली बहुत समय लगा, मैं भी नया नया एनिमेशन सीख गया और उसके बाद मैं एनिमेशन के जरिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे होता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पर।
यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, इन नंबर्स पे ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं ये नंबर्स है, ये फॉर्म जो है या फिर आप इसे ऑर्डर बुक कहते हैं, कह सकते हैं ये ऑर्डर बुक है कॉल को बाय करने वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर बुक कई तरह से हो सकते हैं, कॉल को बाय करने वाला, कॉल को सेल करने वाला, और पुट को बाय करने वाला, पुट को सेल करने वाला, ये सारे ऑर्डर बुक हो सकते हैं। अब कॉल को सेल करना मतलब दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये ऑर्डर बुक अलग है कॉल को सेल करने वाला, ये ऑर्डर बुक में होता क्या है कि आपको कॉल को बाय करते हैं, मतलब सी को हम बाय करते हैं, सी को जब हम बाय करते हैं, हम कब बाय करते हैं, हमको लगता है कि भाई बाजार अब ऊपर जाने वाला है, जैसा कि यहाँ पर आपको लगा कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और बाजार ऊपर जा रहा है। ऑप्शन चेन में भी कॉल साइड में किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, तब जाके आपको लगता है कि अब यहाँ से क्या है ब्रेकआउट आने वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, डबल की संख्या में यहाँ पर बाइंग हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या कम है, इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड में आपको संख्या कम दिख रही है लेकिन इस साइड में संख्या बहुत ज़्यादा दिख, उसका मतलब होता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कॉल को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जब ब्रेकआउट आना होता है तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को, और आपको लगता है कि वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई, अच्छे एनिमेशन के जरिए बताया गया है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर करिएगा, और आपके मित्रों को भी इस तरह के वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे प्ले कर लेता हूँ और एक पैटर्न अब बनेगा जो भी ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर देखिए जैसे बाजार मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर फिलअप हो रहे हैं, यहाँ पर कॉल को बाय किया जा रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में, यहाँ पर कॉल को बाय किया जा रहा है, लोगों का ये समझ है। अब ये संख्या नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि, ये मैं एनिमेशन के जरिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा के पूरा ऑर्डर बुक है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए बोलते हैं कि कॉल को बाय कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको ब्रेकआउट आने से पहले ये अंदाज़ा हो जाता है, ब्रेकआउट आने से पहले आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि बाजार में क्या होने वाला है। देखिए बाजार ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी पैटर्न बना नहीं है, पैटर्न आगे है, लेकिन हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन चेन में हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर स्ट्रांग पैटर्न है, बाजार बुलिश है, और कोई जो भी पैटर्न होगा उसका ब्रेकआउट जो है वो पॉजिटिव होगा, ऑप्शन चेन से हमको ये पता लग जाता है। दूसरा हमको इस फॉर्म से पता लग जाता है, जब आप कोई भी ये मेरे ख्याल से ज़ीरोधा का फॉर्म है, ऑर्डर बुक है, अलग अलग ऑर्डर बुक आपको अलग अलग उससे मिलता है, एंजल वन में अलग होता है और सारे दूसरे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनमें अलग होता होगा, लेकिन ये क्या है ज़ीरोधा का है, ज़ीरोधा में यहाँ पर जो नंबर्स है आप देख रहे हैं ये नंबर्स डबल से भी ज़्यादा है, 44,900 कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो ऑर्डर है वो बाय हुए हैं और 12,661 ऑर्डर सेल हुए हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई लोगों को अभी भी लगता है कि बाजार ऊपर जाने वाला है, अभी लगता है, मतलब अब तो कोई पैटर्न बना भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, देख रहे हैं आप इसी, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को गौर से देखिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह से आप इस फॉर्म के कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई और भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, और अभी पैटर्न बना भी नहीं है, बाजार देखिए कहाँ पर, अभी कोई पैटर्न नहीं बना है, अब बाजार को देखिए कहाँ पर चल रहा है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार ऊपर जाने वाला है। अब ऊपर जाने वाला तो है, ठीक है, अब क्या आप यहीं पर बाय करेंगे, इसी लेवल पर बाय करेंगे, नहीं कर सकते हम इस लेवल पर बाय, ठीक है, किसी चीज़ को हम ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे, आपके पास दूसरा और कोई इंडिकेटर होगा उसका बॉटम का पे आने का इंतज़ार करिए, बॉटम पे आने का इंतज़ार करिए, मतलब इसको बॉटम पे कैसे आएगा, ये जैसे कि मैं RSI लगाता हूँ अपने उसमें ना, जो चार्ट है उस चार्ट के नीचे हम RSI लगाते हैं, हमेशा RSI लगाते हैं, तो RSI हमको टॉप बॉटम बॉटम बताता है, RSI हमेशा हमको टॉप बॉटम बताता है, जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस तरह से इसका ये टॉप है, इसका बॉटम है, और उसके अंदर जो ग्राफ मूव होता है ना वो हमेशा ऐसे ऐसे मूव होता है, ठीक है, ऐसे मूव होता है। अब बाजार यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब इसका जो एरो है या फिर इसका जो इंडिकेटर है वो भी ऊपर ही है, अब वो किसी तरीके से यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, और उसके बाद
यहाँ पर हम ऑर्डर में देखेंगे तो ऑर्डर में सेम चेंजेस है, ऑर्डर में कोई भी बदलाव नहीं है। ऑर्डर में बाइंग में जो है बाइंग की संख्या है वो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन RSI में क्या है, ग्राफ कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट लाइन होती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच में इंटरमीडिएट लाइन होती है, उसे आप 50 की एवरेज लाइन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि RSI जो मूवमेंट होता है 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक RSI मूव होता है। मैं आपको एक जस्ट बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए RSI का इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि एरो यहाँ पर आ गया है, ये जो ग्राफ है RSI का यहाँ पर आ गया है, और बाजार भी घूमते घूमते कहाँ होगा, बाजार भी घूमते घूमते नीचे आ जाएगा। कहीं आप और आगे देखेंगे तो ये देखिए बाजार भी घूमते घूमते नीचे आ गया है, जहाँ पर RSI भी नीचे आ गया है। अब हमने क्या कर लिया है, ऑर्डर बुक से हमको पहले ही पता लग गया है कि बाजार ऊपर जाने वाला है। इस ऑर्डर बुक से हमको पहले ही पता लग गया कि भाई साहब बाजार तो ऊपर जाने वाला है। अभी भी ऑर्डर बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है सेलिंग ऑर्डर के मुकाबले, यानी कि बाजार में और तेजी आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं आप। अब क्या है कि थोड़ा सा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, अब हमको पता लग गया कि भाई बाजार में एक बॉटम बन रहा है, तो आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत आप जल्दी में नहीं हो, आपके पास बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है, तो आप गौर से देखिएगा तो आप आराम से इसका इंतजार कर सकते हैं पैटर्न बनने का। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस एरिया में देखिए तो यहाँ पर अभी भी संख्या बढ़ रही है और पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसे मैं आपको पॉज करके बताऊँ तो यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है, गौर से देखिएगा यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को हम ड्रॉ करेंगे, अभी अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा ये चीज़ है। अब आप खरीदारी कहाँ कर सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये लाइन अच्छी नहीं आई है, इसे 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 इस तरह से करेंगे और क्या है ना, ये की पैड से बन रहा है तो ये एक पैटर्न बन रहा है और ये डायरेक्शन यहाँ पर गई है अपसाइड में, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, पीछे लेके चलने से हमको पता चलेगा कि हुआ क्या है। यहाँ पर ये यहाँ पर हम आ गए, हम यहाँ पर आ गए। अब क्या है कि आप गौर से देखिएगा, जब बाजार यहाँ पर था तब भी हम खरीद सकते थे, क्योंकि हमको पहले ही ये पता चल गया कि बाजार में कॉल को बाय किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमको ऑप्शन चेन में पता चला, देखा था हमने ऑप्शन चेन में कि हाँ वहाँ पर कॉल बाइंग चल रही है। तो आप क्या है कर सकते हैं, आप सिर्फ ये है कि भाई कहीं पर भी नहीं खरीद सकते हम, ठीक है, हम कहीं पर भी नहीं खरीद सकते। जैसे हमने देखा तुरंत नहीं खरीद सकते, हम किसी पैटर्न का इंतजार करेंगे। तो हमने देखा जब बाज़ार यहाँ पर था तब भी हमने देखा कि यहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा लग रहे थे, कौन से, कॉल के बाय के, लेकिन कॉल को बेचने वाले जो ऑर्डर हैं वो कम लग रहे थे। तो तभी हमने पहचान लिया था कि बाजार ऊपर जाएगा। अभी मैं एक बार फिर से आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ और आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा। ये आ गए हम यहाँ पर, हम यहाँ पर आ गए तभी हमको पता लग गया था, क्योंकि यहाँ पर कॉल को बाय करने वाले ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉल को सेल करने वाले ऑर्डर बहुत कम है। यानी कि लोग बाय करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, सेल करने में नहीं। वो हमको कब पता चला, जब बाजार किसी एक टॉप पर था, कोई भी ब्रेकआउट नहीं था, कोई भी पैटर्न नहीं था, कोई कुछ नहीं था, है ना। फिर आगे बढ़ता है बाजार। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि कोई भी बॉटम ढूंढने का, कहीं पर भी हम बाय नहीं करेंगे। अब बॉटम ढूंढने के लिए बाजार को आगे जाने देंगे, RSI को ट्रैक करेंगे, RSI का इंडिकेटर हमको एक बॉटम पे लेके जाएगा और फॉर्म हमको अभी भी बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पता लग गया कि अब जान लीजिए अब इस तरह से ये हो रहा है। अब आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा लग रहा है कि बाजार एक पैटर्न की तरफ से पैटर्न का ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर उसने एक हाई बनाया, लो बनाया, और अगला जब उसने लो बनाया यहाँ पर, वो पहले वाले लो से काफ़ी ऊपर है अगर आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो। फिर उसने क्या किया, एक हाई बनाया, अगला जो लो है उसको, अगला जो हाई है पहले वाले हाई से नीचे भी हो सकता है और बराबरी में भी हो सकता है, ठीक है। जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो इस तरह से होता है, उसका जो ग्राफ नीचे से जो लो है, पहले वाले लो से दूसरे वाला लो ऊपर बनता है, ये ध्यान रखिएगा, हाई भले ही सेम। तो ये आपको पता चल गया, अब आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, कहीं पर भी बाय कर सकते हैं इस ट्रेड के दौरान, क्योंकि हमको हर
ट्रेड में मतलब ब्रेकआउट होने तक ये फॉर्म बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं वापस से प्ले। अब वापस से जब हम प्ले करेंगे तो एक ब्रेकआउट आता है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, हम कहाँ तक बाय कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद हमको लॉस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न आ गया, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, अभी भी बन रहा है, अभी ब्रेकआउट का टाइम है क्योंकि बहुत सिंक्रोनाइज हो रहा है, और ये ब्रेकआउट आ गया है। अब यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट आ गया है, हर लो पहले वाले लो से ऊपर है, आप यहाँ पर अच्छे से ट्रैक करेंगे तो हर लो पहले वाले लो से ऊपर है, और जो ब्रेकआउट वाला जो लो है वो हाई के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली होती है। और ऑर्डर बुक में देखेंगे तो अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल को बाय किया जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन उस ऑर्डर को अभी सेल नहीं कर रहे लोग। अभी लोगों का मानना ये है, स्मार्ट मनी का मानना ये है कि अब हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ ब्रेकआउट आया है, हमको तो प्रॉफिट कहीं ऊपर लेना है। जब बाजार इस एरिया में आएगा तब सेल ऑर्डर ज्यादा होने लगेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाजार यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे अच्छी तरह से, इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, ये नंबर्स कम हो रहे हैं, ये वाले जो नंबर्स है ये कम हो रहे हैं और ये वाले नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं 96 95, देखिए 57 58 बढ़ रहे ना, इसका मतलब लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो कॉल इस एरिया तक उन लोगों ने बाय किया था, अब लोग क्या कर रहे हैं, उस कॉल को सेल कर रहे हैं, तभी जाके ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये जाके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है तो कौन से नंबर बढ़ने से बाय करना होता है, कौन से नंबर बढ़ने से सेल करना होता है, ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है कि कहाँ पर खरीदना है। देखिए ब्रेकआउट आने के बाद में ब्रेकआउट बस यहाँ, इससे ऊपर हम खरीद नहीं सकते, अब हम इससे ऊपर जो है बाय ऑर्डर नहीं लगा सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर अब सेल करने का टाइम है, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी हम बाय ऑर्डर नहीं लगा सकते, अब यहाँ से नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 98 हो गया है, ऑर्डर है, ऑर्डर कम हो रहे क्योंकि बाजार नीचे आ रहा है ऊपर से। अब यहाँ पर जिन्होंने पहले बाय किया था इस लेवल में, अब वो लोग सेल कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिला है, वो लोग सेल कर रहे हैं, तो सेलर्स की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए 61,000 हो गई, 62,000 हो गई है, 63,000 64,000 हो गई है, और बायर्स की संख्या बहुत तेजी से कम हो जाती है। वैसे ये तो यहाँ पर आपको बहुत कम स्पीड से दिख रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बायर्स की संख्या कम हो जाती है और सेलर्स की संख्या बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ की है, देखिए मैंने एक एनिमेशन के जरिए ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है आपको, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को समझिएगा और बेहतर ढंग से समझिएगा। एनिमेशन के जरिए भी बताया मैंने आपको, चार्ट के जरिए भी मैंने आपको बताया है, तो ये सारी चीज़ें देखना होता है। जैसे कि आपने एक पैटर्न देखा, आपको इस पैटर्न में कोई चीज़ समझ में आ गई कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ होने वाली है, तुरंत ऑप्शन चेन में देखा, ऑप्शन चेन में आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। उसके बाद हम चार्ट में वापस आएंगे और चार्ट में वापस आने के बाद या फिर आप एनिमेशन में या फिर वापस चार्ट में, ये तो मैंने एनिमेशन आपको बताया है इस तरह से, अब वापस आएंगे वहाँ पर, उसके बाद आपको ये दिखेगा कि हाँ तीसरे नंबर पे हम आएंगे, किस पे, यहाँ पर फॉर्म पे, तीसरे नंबर पे हम फॉर्म पे आएंगे और फॉर्म पे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉल बाय करने के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बाजार भी यहाँ पर क्या है, नीचे लेवल पे अभी है, तो बाजार ऊपर जाने वाला है, तो जब पैटर्न बनने वाला होता है एक बॉटम देख के हम वहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है, एक ब्रेकआउट आने से पहले बाय करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद हम इस एरिया में जाने के बाद बाजार को बाय कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, आपको लगता है कि वीडियो में बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।